और चलिए फटाफट रुक करते एक और बड़ी खबर का। बता दें कि राजस्थान में सीआरसी पारा फिर गर्म हो चुका है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पास पहुंचे 30 विधायक। सामान्य मुलाकात बताया जा रहा है विधायकों का पहुंचना, और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक तय नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक तय नहीं किया गया है। कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इस पर संशय अभी तक बना हुआ है। तो सियासी पारा एक बार फिर राजस्थान में गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल चतुर्वेदी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, सबसे पहले अपडेट दीजिए। बिल्कुल दीपाली, यहाँ पर 3 तारीख को जब मतगणना की समाप्ति हुई है, तब से लेके जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री की रेस के अंदर आधा दर्जन से अधिक यहाँ पर नेता यहाँ पर लगे हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बात की जाए तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि आज सवेरे तक जो आंकड़ा उनका था विधायकों का, वो 70 विधायक वहां पर पहुंच चुके थे उनसे मिलने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पर सबसे आगे है मुख्यमंत्री के रेस में। वहीं अगर पार्टी के सूत्रों की बात करते हैं तो बाबा बालकनाथ को यहाँ पर सबसे आगे देखा जा रहा है, लेकिन मैंने समझता हूँ कि राजस्थान की राजनीति है जो है वसुंधरा राजे सिंधिया के बिना यहाँ पर उनके मुख्यमंत्री पद की घोषणा भी हो सकती है। शीर्ष आला कमान को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि वसुंधरा राजे को किस तरह से यहाँ पर काबू में लिया जाए, और वसुंधरा को काबू में लिए बिना यहाँ पर मैं समझता हूँ कि दूसरा मुख्यमंत्री का चेहरा बन ही नहीं सकता है दीपाली जी। गोपाल चतुर्वेदी, जरा ये बताइएगा, आपने दो नाम तो यहाँ पर लिए हैं वसुंधरा राजे के साथ, लेकिन कौन कौन से कुल नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है कि इन लोगों में से ही सीएम बनाया जा सकता है? दीपाली, यहाँ बाबा बालकनाथ के अलावा किरोड़ीलाल मीणा का नाम चल रहा है, दिया कुमारी का नाम चल रहा है, तो जो शीर्ष है वो यही है 4 लोग जिनका नाम बहुत आगे चल रहा है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश माथुर का नाम भी चल रहा है। कुछ सूत्र जो है यहाँ पर सुनील बंसल, जो कि संघ के खास माने जाते हैं, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के खास माने जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन सब में बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे सिंधिया, इनमें से ही कोई एक नाम तय होगा दीपाली, जहां तक मैं समझता हूँ। और यहाँ पर देर शाम तक यहाँ पर इसकी जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि शाम तक चेहरा साफ हो जाएगा। लेकिन गोपाल चतुर्वेदी, किसके सबसे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि सीएम ये इंसान बन सकता है या ये नेता बन सकता है? मैं दीपाली, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर भी वसुंधरा राजे सिंधिया के पास आज सवेरे तक 70 विधायक जो है उनके पहुंच चुके हैं उनके खेमे के, और यहाँ पर उन्होंने बोलना भी शुरू किया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ही सीएम का चेहरा होंगी। तो मैं समझता हूँ आला कमान के जो प्रभारी है वो यहाँ पर शाम तक पहुंचेंगे राजस्थान, तो यहाँ पर जो विधायक दल की बैठक होगी तो उसके अंदर जो विधायक जीते हुए हैं उनसे यहाँ पर सलाह मशवरा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नाम सबसे उभर कर सामने आएगा वसुंधरा सिंधिया का, जो सबसे आगे हैं। और अगर सीपी जोशी और जो अरुण सिंह है वो अगर अपनी बात रखते हैं तो मैं समझता हूँ बाबा बालकनाथ का नाम कहीं ना कहीं वो इस विधायक दल की बैठक में रखेंगे दीपाली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल चतुर्वेदी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी यहाँ पर जानकारी दी है कि वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चला है सीएम की रेस में, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार सीएम किसे बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से। हालांकि इसको लेकर एक बैठक भी आयोजित की जानी है आज शाम को।